हेलो रेल फैंस दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ट्रैवलर रेलवे 360 डिग्री वर्शन। दोस्तों आज हम लोग बालूरघाट दक्षिण दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में आए हुए हैं। आज एक बहुत स्पेशल ओकेशन है, पूरे बालूरघाट और दक्षिण दिनाजपुर उत्तर दिनाजपुर हेलो रेल फैंस बंधुरा, नतून बचर नतून दिन 2024 फर्स्ट जानुरी बालूरघाटे एक सौगात पा गल। अनरेबल एमपी, थैंक्स टू आवर अनरेबल एमपी अनरेबल एमएलए साहेब, हमें बालूरघाट के शियालदार सरसरि डायरेक्ट ट्रेन पे गेसि। बंधुरा एत दिन धरे हमें मालदा ट्रेन गोर एक्सप्रेसर उपरे डिपेंडेंट छिलाम, आज के सरसरि बालूरघाट टू शियालदा डायरेक्ट ट्रेन गिफ्ट पेलम। इंडियन रेलवेज के अनेक अनेक धन्यवाद हमें ब्रैंड न्यू एलएचबी रेक प्रदान करार जोन्नो। दोस्तों ये जो बालूरघाट टाउन है ये दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, इसी के साथ गंगारामपुर है, बुनियादपुर है, ये भी दक्षिण दिनाजपुर का ही पार्ट है। दोस्तों दरअसल इतना दिन तक ये जो बालूरघाट टाउन है ये मालदा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, मालदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, मालदा के ऊपर डिपेंडेंट था अपने रेक के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नाइट को ट्रेन नहीं था शियालदा के लिए, हावड़ा के लिए था, बट वो मतलब वो भी सैटरडे संडे को नहीं चलता। ये ट्रेन जो है ये डेली चलता है, डेली चलने वाला है। 1 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी और हम लोगों का एमपी साहब जो है सुकांत मजुमदार, डॉक्टर सुकांत मजुमदार साहब, एमएलए साहब डॉक्टर लाहिरी साहब, सबका मतलब प्रेजेंस में, वर्चुअली एंड फिजिकली प्रेजेंस में हम लोगों का ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ शियालदा बालूरघाट। आप लोग देख सकते हैं इसमें करीब 4 से 5 जनरल डिब्बा, 6 से 8 स्लीपर डिब्बा, 1-2 इकोनॉमी 3 टायर, एसी इकोनॉमी 3 टायर, 1 एसी 2 टायर एंड 1 फर्स्ट क्लास एसी इसमें रहेगा। और ये ट्रेन सीधा बालूरघाट से खुलेगी शाम के 7 या 7:30 बजे करीब, मोस्ट प्रोबली 7 PM और शियालदा पहुँचेगी 5:45 लाइक दैट। एंड सेम वे शियालदा से रात को 10:30 बजे खुलेगी और यहाँ पे सुबह 7-8-9 बजे तक पहुँच जाएगी। दोस्तों ये डेडिकेटेड ट्रेन इसलिए स्पेशल है क्योंकि अभी तक हम लोग मतलब बालूरघाट के लोग डायरेक्टली गौर एक्सप्रेस जो मालदा के मालदा का ट्रेन है उसके ऊपर डिपेंडेंट थे हम लोग, इसके टिकट का अवेलेबिलिटी बड़ा इशू था। तो ये ट्रेन होने से अभी बहुत मतलब सहूलियत होगा लोगों को, लोग आराम से एलएचबी रेक में जा पाएंगे, वहाँ तक आराम से एलएचबी रेक में जा पाएंगे कलकत्ता तक। होपफुली लोग इसमें गुटखा थूक थाक के गंदा नहीं करेंगे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट दोस्तों। और अब देख सकते हैं ब्रांड न्यू एलएचबी, एक भी स्क्रैच नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू एलएचबी रेक है, बहुत स्पेशल ओकेशन है बालूरघाट के लिए। और मतलब किसी को उम्मीद भी नहीं था कि एलएचबी रेक मिलने वाला है, सब सोच रहे थे कि जो डिस्कार्टेड ICF रेक होता है, जैसे अभी फलकनामा एक्सप्रेस जो हावड़ा से सिकंदराबाद को जाती है उसका ओल्ड ICF रेक जैसे अभी कोई काम का नहीं रहा, वो सब रेक यहाँ दिया जाएगा छोटा पैसेंजर लॉट के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। बट थैंक्स टू इंडियंस रेलवे, थैंक्स टू अश्विनी वैष्णव जी एंड आवर MP, ये हम लोग का यहाँ पे एक बढ़िया वाला LHB रेक मिला है बालूरघाट वासी को। और बालूरघाट के लोग सच में खुशनसीब है कि ये ट्रेन सिर्फ हफ्ते में 5 दिन नहीं, पूरे 7 के 7 दिन दौड़ेगी। बाकी जिम्मेदारी बालूरघाट के लोगों का भी है कि ट्रेन को साफ सफाई मेंटेन करे, गंदगी कम मचाए, ठीक है। यही कह के मैं आप सभी को कंग्रेचुलेशन न्यू ईयर गिफ्ट 2024 न्यू ईयर गिफ्ट बालूरघाट के सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मतलब बधाई हो बालूरघाट के बालूरघाट वासी, बहुत बहुत खुश नसीब आप लोग को इतना अच्छा ट्रेन मिला है। और देख रहे हैं आप पूरा फूल से और बैलून से सजाया गया है, ट्राई कलर से सजाया गया है हम लोग का रेलवे का रेल को ट्रेन को। अब देख सकते हैं AC 2 टायर कितना अच्छे से सज रहा है फूलों से, इसके पीछे आप देख सकते थे कि हम लोग के यहाँ AC 3 इकोनॉमी भी है, थोड़ा AC से सस्ता पड़ता है AC 3 इकोनॉमी, तो स्टूडेंट लोग के लिए अफोर्डेबिलिटी थोड़ा कंसर्न है, तो एक सही रहेगा स्टूडेंट लोग के लिए भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे फर्स्ट क्लास का भी फैसिलिटी है, फर्स्ट क्लास के हैं, तो यहाँ पे
जो डिग्निफाइड पर्सन्स जो इकोनॉमिकली थोड़ा एडवांस्ड हैं वो लोग भी जा पाएंगे, और हम लोग का मिनिस्टर लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह है और लेजिस्लेटिव के मिनिस्टर लोग हैं वो भी जा पाएंगे। तो दोस्तों अब देख सकते हैं पूरा सूची यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेन नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, और ये जनरेटर वैन है, अंत में जनरेटर वैन भी रहता है इंजन के साथ, और लगेज ब्रेक एंड जनरेटर कार, इसके सामने वैप 7। पूरा फूल से सजाया गया है दोस्तों, बहुत स्पेशल मोमेंट है सबके लिए, हम सबके लिए, बालूघाट वालों के लिए। कार्यक्रम आगे बढ़ेगा दोस्तों, देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये WP7 को, WP7 इंजन खींचेगा ये ट्रेन को, ये सच में गर्व की बात है। और इतना कह के मैं मेरा वीडियो ख़त्म करूँगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन भी आए हुए हैं, पूरा एकदम मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। रेलवेज के बड़े बड़े पदाधिकारी जैसे DGM, ADDM बहुत लोग हैं यहाँ पे, चारों तरफ RPF रेलवे पुलिस फोर्स स्पेशल फोर्स से घिरा हुआ है, क्योंकि MP लोग भी आ रहे हैं ना, MP MLA लोग, तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कितना टाइट है। और